बिहार के बाद अब झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पिछले दिनों यानी 31 जनवरी को ईडी की दिन भर चली पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। अब राज्य में नए सीएम को लेकर कवायद शुरू हो गई है। ईडी के गिरफ्तारी से पहले ही झारखंड का अगला सीएम कौन होगा इस पर तस्वीर साफ हो गई थी। 30 जनवरी को हेमंत सोरेन ने जेएमएम के विधायकों के साथ बैठक कर इसका चयन कर लिया था। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद अलग ही नाम निकल कर आया। जेएमएम ने अपने विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना है। चंपई सोरेन सीएम पद की शपथ कब लेंगे अभी इसको लेकर वक्त और तारीख निश्चित नहीं की गई है। हालांकि विधायक और मंत्री चाहते हैं कि राज्यपाल चंपई सोरेन को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दें, जिससे राज्य को नया सीएम मिल सके। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है चंपई सोरेन। कौन है चंपई सोरेन? चंपई सोरेन के पिता का नाम सिमल सोरेन है। इनके पिता सरायकेला खरसावां जिले स्थित झिलिंगगोड़ा गांव के निवासी हैं। चंपई के पिता खेती किसानी का काम करते थे, जिसमें चंपई भी उनका हाथ बटाते थे। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में चंपई ने पढ़ाई की है। इस बीच उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी। चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। इसी वक्त बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से भी मशहूर हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर आए। अपने राजनीतिक करियर का आगाज वहीं से किया। इसके बाद वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। 6 बार के विधायक चंपई सोरेन झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। कितनी बार विधायक रहे हैं चंपई सोरेन? चंपई ने 1991 में पहली बार उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। वो जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि उन्होंने कद्दावर जेएमएम सांसद कृष्णा मार्डी की पत्नी को हराया था। बाद में 1995 में जेएमएम के टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन साल 2000 में बीजेपी के अंतरराम टुड्डू से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वर्ष 2005 में लगातार सरायकेला से विधायक रहे हैं। साल 2019 में इन्होंने भाजपा के गणेश महली को चुनाव हराया था। इसके अलावा चंपई सोरेन भाजपा नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे हैं। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्री बनाया गया था। जेएमएम के लिए कितना जरूरी है चंपई सोरेन? झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मौकों पर सीएम हेमंत सोरेन को इनका पैर छूते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा जेएमएम में गहरी पकड़ है। बीच में जब हेमंत सोरेन की पत्नी को सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी, तो ये भी बात सामने आई थी कि चंपई सोरेन और उनके भाई की बीवी सीता सोरेन इस बात से सहमत नहीं थे। सीता सोरेन ने तो मीडिया के सामने भी बोला था, लेकिन चंपई ने विधायक दल की बैठक में इसका विरोध जताया था। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि चाहे मामला सरकार का हो या पार्टी का, अहम विषयों पर हेमंत सोरेन से सलाह मशवरा जरूर करते हैं। तो ये थी झारखंड की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।